हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग को भी अकाउंट सस्पेंड किया गया है कुछ गलत एक्टिविटी के कारण, तो आपको काफ़ी ज़्यादा घबराना महसूस हो रहा होगा। दोस्तों, नहीं आप वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं, नहीं आप लोग यहाँ पे फेसबुक से, कई लोग बिजनेस करते हैं, कई लोग यहाँ पे काम करते हैं, फेसबुक से वीडियो बना के पैसा कमाते हैं, फेसबुक पे फोटो अपलोड करके पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है, डिसेबल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशान होंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशान होंगे। बट कैसे रिकवरी होता है वो आप लोग को कोई तरीका ही नहीं पता चल रहा होगा। आखिर इसको कैसे ओपन करेंगे, आखिर ओपन करेंगे तो कैसे होगा? कई बार आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया होगा, ईमेल भी किए होंगे, लेकिन कुछ अता पता आप लोग को रिप्लाई भी नहीं मिलता है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशानियाँ देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद आप लोग YouTube पे सर्च करते हैं कि फेसबुक अकाउंट डिसेबल या सस्पेंड होने के बाद कैसे रिकवरी करें। काफ़ी ज़्यादा वीडियो आ जाता होगा दोस्तों, बट कोई भी वीडियो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे व्यूज लेने के लिए जो मन में आता है वो आप लोग को यहाँ पे डाल देते हैं वीडियो। तो आप लोग को करना नहीं है, क्योंकि एक तरीका इसमें है दोस्तों, सही तरीक़ा से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ से डिसेबल ओपन हो जाएगा। वो कौन सा तरीका है और कैसे ओपन करते हैं, कौन से उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, ये आप लोगों को उसमें बताया गया, बट इस वीडियो में बताएंगे। अगर कुछ सही तरीक़ा से अप्लाई करते हैं, सही तरीक़ा से करते हैं, तो आप लोग को भी आईडी रिकवरी सक्सेस होने वाला है। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए। जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम है रूपेश कुमार, आप देख रहे हैं आरके हेल्थ ऑफिशियल में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग को भी फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कैसे रिकवरी करेंगे, ओनली एक तरीका है दोस्तों, सही तरीका से अप्लाई कीजिएगा तब जाके आपका अकाउंट ओपन होगा। ये रहेगी आपको जो मन में आता है वो आपको नहीं करना है, जो मैं तरीका बताऊंगा वही तरीका अप्लाई कीजिएगा। ओनली एक तरीका है, सही तरीका से कीजिएगा तभी ये ट्रिक काम करेगा, क्योंकि ये ट्रिक लीगल ट्रिक है दोस्तों। सही तरीका से यूज करेंगे ना तभी होगा ओपन, ये नहीं कि जो मनवाएगा वो आपको नहीं करना है। और कौन सा तरीका है, यहाँ पे एक थंबनेल दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाली वीडियो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, जो आपको आई बटन पे मिलेगा वहां से आप लोग वॉच कर सकते हैं, चाहे आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से वॉच कर सकते हैं। ओनली एक तरीका है, सही तरीका से अप्लाई करेंगे तो आपको भी आईडी रिकवरी हो जाएगा। बात यहाँ पे आता है कि इसमें कौन सी ट्रिक लगाना पड़ता है, कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, कौन सी इसमें मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, कौन सा इसमें जीमेल ऐड होना चाहिए, मोबाइल नंबर ऐड है लेकिन जीमेल खो गया है, जीमेल ऐड है लेकिन मोबाइल नंबर खो गया है, ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप लोग को अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो रिकवरी करने के लिए इसमें एक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट में होता है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिलीवरी लाइसेंस, स्कूल या कॉलेज में एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है लटकाने वाला, वो आइडेंटिटी कार्ड से ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के होने के बाद आप लोग को आईडी नेम, जो आपको फेसबुक नेम रहेगा, वही नेम से आपको डॉक्यूमेंट में मैच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये नाम है आईडी में रुपेश कुमार और यहाँ पे आधार कार्ड में नेम है रुपेश कुमार, दोनों यहाँ पे मैच करेगा ना तब जाके आपका अकाउंट ओपन होगा। ये नहीं कि यहाँ रुपेश कुमार है और यहाँ मिथिलेश कुमार है, ऐसे नहीं होता। दोनों अगर डिफरेंट रहता है तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, अगर दोनों सेम रहेगा तो आपका अकाउंट कंफर्म जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी लोग रिपोर्ट करते हैं, ईमेल करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता दोस्तों, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मैं कई बार इसमें सबमिट किया हूँ बट मेरा मिल जाता है, क्योंकि हमारा एक एजेंसी चलता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एजेंसी को आप फॉलो भी कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर फॉलो कर लीजिएगा। एक एजेंसी चलता है, एजेंसी में जैसे ही रिपोर्ट करते हैं तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलता है, तो आप लोग जाके वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें नोटिस अपडेट मिलता है, आप उसमें मैसेज नहीं कर सकते, ओनली हम लोग एजेंसी वाले ही कर सकते हैं। तो जाके फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं किस तरह के का अपडेट आया, कब आईडी ओपन होगा, कब सस्पेंड होगा, सारे बातें उसमें बताते रहते हैं। तो जाके आप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों,
जिन भाई लोगों को अकाउंट सस्पेंड किया गया है उसके लिए मैं वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग को वो तरीका समझ में आ जाता है तब जाके आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सही तरीका से अप्लाई कीजिएगा, आपका भी अकाउंट रिकवरी हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ से वहाँ कर देना है, पहले आप लोग वीडियो को समझिएगा दोस्तों, तब जाके आपका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए फेसबुक के खिलाफ कोई भी गलत एक्टिविटी, गलत रिपोर्ट कोई भी कर देता है, या अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, अकाउंट लॉक में चला जाता है, डिलीट हो जाता है, हैक हो जाता है, या सिक्योरिटी की में प्रॉब्लम फंस जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आप लोग को मैं एक आईडी देंगे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहाँ पे लिंक मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को वहाँ शेयर कीजिए जहाँ ये प्रॉब्लम चल रहा है, तब जाके आपका अकाउंट रिकवरी होगा। ये नहीं कि आप लोग जो मन में आता है वो आपको कर देना है, वैसे नहीं करिएगा। जो मैं तरीका बताता हूँ वही तरीका अप्लाई कीजिए। काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशान होंगे आईडी सस्पेंड होने के बाद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गेम खेलना रहता है तो आईडी यहाँ पे ओपन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अपलोड करना होता है दोस्तों, यहाँ पे रील स्क्रॉल करना होता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया होगा, तो यहाँ पे रील स्क्रॉल तो कर नहीं पा रहे होंगे, तो आईडी ओपन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो मैं तरीका बताया हूँ वही तरीका अप्लाई कीजिएगा, तब जाके आपको ऐसे स्क्रॉल करने के लिए मिलेगा। तो स्क्रॉल करते करते आप यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हैं, उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो मैं तरीका बताता हूँ वही तरीका आप लोगों को अप्लाई करना है। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मान लीजिए आप लोगों को वीडियो नहीं समझ में आया तो शुरू से एंड तक देखिए, आप भी अपना अकाउंट सस्पेंड या लॉकेट में या कोई भी गलत एक्टिविटी के कारण आपका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है, हैक किया जाता है, किसी अदर व्यक्ति के पास एक्सेस मिल गया है, आप यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है, मतलब आप वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे होंगे, स्क्रॉल नहीं कर पा रहे होंगे, सेम थिंग एरर का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, फेसबुक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे पास आ सकते हैं। तो उस इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहले हमारे नाम पे काफ़ी लोग फ्रॉड कर रहे हैं दोस्तों, तो फ्रॉड से बचिए, स्कैम से बचिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं वहीं से आके मेरे पास मैसेज कीजिए, तब जाके आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और सस्पेंड होने के बाद रिकवरी हो जाएगा। जो मैं तरीका बताता हूँ ना वही तरीका अप्लाई कीजिए। ये तरीका रिसर्च करना पड़ता है, ये नहीं कि जो मन माया बना दी, वो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। काफ़ी लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि ये बना रहा है, वो बना रहा है, व्यूज लेने के लिए ऐसे बनाता है, बहुत लोग बनाते हैं, तो सबके चक्कर में नहीं पड़िए। यहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं लेकिन वो सब पे क्यों ध्यान दें, जिनका प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, समस्या पे नहीं, समस्या के समाधान पे लगो, तब जाके आपका अकाउंट ओपन होगा। ये नहीं कि समस्या पे ही लगे रहो, तो समस्या के समाधान पे लगिए, जो समस्या आया है उस समस्या को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब जाके आपका अकाउंट ओपन होता है। ये नहीं कि लॉक हो गया दूसरा आईडी बना लेंगे, ऐसे नहीं होता दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो सोल्यूशन होने का उसका भी ट्रिक होता है, तरीका होता है। आप भी गलती करोगे तो आपका सुधारने वाला कोई सिखाने वाला होगा ना, तो उसी तरह से है। फेसबुक बैन हो गया तो ओपन करने वाला भी कोई होगा, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, हम भी आप लोगों को बता रहे हैं ना, तो सही तरीका से अप्लाई कीजिए, आपको भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।